तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर के हैं एक और शानदार धमाकेदार सेकंड हैंड कार, जिस गाड़ी का नाम होने वाला है हुंडई i10 मैगना। टॉप सेलिंग कार है दोस्तों, बहुत लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं और बहुत लोग इस गाड़ी को लेना भी चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कम्फर्टेबल, काफ़ी रिलायबल एक गाड़ी है। और लुक वाइज तो पूछो ही मत, गाड़ी कितना भी पुरानी हो गई हो लेकिन भाई देखने के बाद फील यही आती है कि 2024 मॉडल गाड़ी है। तो सबसे पहले गाड़ी का कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर के मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आप लोग को, क्योंकि क्या है कि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ दिया गया ऑनर का। तो दोस्तों वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंड में आपको ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, सो आप वीडियो पूरा देखेगा तो ही आपको नंबर मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नंबर लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आप गाड़ी का लुक देख लीजिए। तो हेडलाइट्स बताऊँ तो गाड़ी का जो हेडलाइट्स है आपको नॉर्मल हैलोजन इस गाड़ी का मिल जाता है दोस्तों, कोई आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को नहीं मिलता। साथ में नीचे में आपको फॉग लैंप की स्पेस तो मिल जाती है, बट फॉग लैंप आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। हुंडई की आपको बैजिंग मिल जाएगी, HR 26 नंबर गाड़ी है, गाड़ी का जो NOC है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। सो नंबर प्लेट को लेकर के आपको कोई भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। और जिनको NOC के बारे में नहीं पता कि NOC क्या होता है तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, NOC का मतलब होता है कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में ला करके चला रहे हो तो उसको NOC बोलते हैं। तो NOC के बारे में पता चल ही गया होगा। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी का साइड लुक के बारे में। तो साइड लुक भी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो ORVM के बारे में बताऊँ तो ORVM आपको काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। ORVM के ऊपर जो आपका लाइट होता है ना, साइड इंडिकेटर लाइट, वो आपको मिल जाएगा। ऑटो फोल्डेबल तो ORVM फिलहाल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल जाएगा, जो कि आप अंदर से इसका ORVM जो ना आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी तरीके का कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है। और ये जो गाड़ी है टॉप एंड मॉडल आप गाड़ी देख रहे हैं, तो टॉप मॉडल आप हुंडई i10 देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से आपको दूसरे साइड का लुक मिल जाता है। और नीचे का जो फेंडर का ये होता है कुछ वो निकला हुआ है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टायर कंडीशन के बारे में बताऊँ तो दोस्तों टायर कंडीशन आपको 70-80% के आसपास टायर की लाइफ आपको देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और आप जब भी कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं या लेना चाहते हैं तो 50% प्लस ही देख करके गाड़ी का टायर कंडीशन वाला गाड़ी लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप उससे कम का ले लेंगे तो फिर आपको सबसे पहले गाड़ी का जो टायर है ना वो आपको बदलवाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा देख लीजिएगा। और इस गाड़ी का व्हील साइज बताऊँ तो इस गाड़ी का व्हील साइज आपको 13 इंच का देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और व्हील कैप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, हालांकि प्लास्टिक आपको व्हील कैप्स देखने को मिलने वाले, इसमें कोई भी आपको एलॉयज देखने को नहीं मिलता। वैसे आप चाहें आफ्टर मार्केट एलॉय लगवाना तो बेशक आप लगवा सकते हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ पीछे से कुछ स्टेप्स आपको गाड़ी का लुक मिलता है, पीछे से काफ़ी कमाल का आपको इस गाड़ी का लुक देखने को दोस्तों मिल जाता है। टेन लाइट्स आपको नॉर्मल मिलता है, बल्ब वाली कोई आपको इसमें LED टेन लाइट देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ में इसका बूट आप पीछे से ओपन कर सकते हैं, दूसरा आपको ड्राइविंग साइड जो होता है सीट उसके नीचे आपको देखने को मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल की एक फीचर्स है। साथ में आपको बैक कैमरा पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी के अंदर आपको अवेलेबल करा दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ स्टेप्स आपको गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त आपको इंटीरियर मिल जाता है। ड्यूल टोन कलर के साथ आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। सीट का बताऊँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी रिलायबल आपको दोस्तों इसका जो सीट है वो आपको मिलने वाला है। और गियर बॉक्स कितना ज़बरदस्त जगह दिया गया ना, वो जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे मस्त इस गाड़ी का गियर बॉक्स दिया गया है, क्योंकि बहुत लोग इस गाड़ी का गियर बॉक्स को लेकर के तारीफ़ करते हैं। साथ में इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम आपको लगने वाला है, ग्लव बॉक्स आपको एक इसमें देखने को मिलता है। स्टेयरिंग के बारे में बताऊँ तो स्टेयरिंग नॉर्मल बेसिक वाला मिलता है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी पावर विंडो दोस्तों, इसमें आपको कोई भी मीडिया कंट्रोल्स हो गए या फिर क्रूज़ कंट्रोल हो गए, ये सब आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल जो बेसिक आता है वहीं मिलता है। हालांकि बात करें पावर स्टीयरिंग का तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। और फ्रंट की जो डोर है ड्राइविंग साइड डोर, उसमें आपको चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं, और आपके ORVM के भी कंट्रोल्स उसी में आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल देखने को मिलता है। साथ में चारों के चारों जो विंडोज़ हैं उसमें आपको पावर बटन का फंक्शन देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट लगाई गई है। और AC के बारे में बताऊँ तो फ्रंट में आपको 4 AC विंड्स देखने को मिलते हैं, पीछे में आपको एक भी AC विंड गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। वहीं बात करें विथ हीटर के साथ है या नहीं, तो जी हाँ, AC जो गाड़ी का विथ हीटर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। और AC कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो AC कंट्रोल्स आपको नॉर्मल जो बेसिक वाले आते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी आपको ऑटोमेटिक AC देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं गियर की बात करें तो गियर आपको मैनुअली इस गाड़ी का मिलता है दोस्तों, कोई ऑटोमेटिक गियर वाली ये गाड़ी नहीं है। रियर से कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, इसका लुक काफ़ी शानदार है। लेगरूम हेडरूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसा कि क्या है कि बाहर से काफ़ी ज़्यादा छोटी ये गाड़ी है और हैचबैक गाड़ी है, तो हैचबैक में लोगों को लगता है कि अंदर से स्पेस उतना नहीं होगा, बट दोस्तों आप सामने में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। तो लेगरूम हेडरूम के बारे में आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर।
और पीछे में कोई एसी में नहीं मिलेगा जो कि बता दिया था, तो सिंपल सा आपको एक लीटर का बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ स्पीकर्स की बात करें तो चारों डोर पे आपको चार स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं। बॉटल होल्डर दोस्तों आपको इसका डोर के ऊपर देखने को नहीं मिलता, कंपनी कुछ इस टाइप से डिज़ाइन की थी कि बॉटल होल्डर दी ही नहीं थी, पता नहीं भूल गई थी देना या फिर आई डोंट नो क्या की थी। और इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन ये सब फीचर जो है ना वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। टायर आप सामने से देख सकते हो, टायर कंडीशन 70-80 जैसा कि मैंने बताया था, कुछ वैसा ही कंडीशन बचा है जो कि आप देख ही रहे होंगे। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के मॉडल के बारे में और फिर थोड़ा इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुंडई i10 2011 मॉडल मेगाना वेरिएंट आप देख रहे हैं। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के एवरेज के बारे में, क्या आखिरकार इस गाड़ी का एवरेज है, तो दोस्तों कंपनी इस गाड़ी का माइलेज क्लेम करती है हाईवे में 20.36 किलोमीटर पर लीटर का। और वहीं सिटी माइलेज के बारे में बताऊँ तो सिटी माइलेज दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 17.18 का, लेकिन बहुत लोग इस गाड़ी का माइलेज को लेकर के बुराई ही करते हैं, तो आप थोड़ा माइलेज देख लीजिएगा लेने से पहले लेना है या फिर नहीं लेना। फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल मिल जाएगा। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 1197 सीसी का आपको इसका इंजन मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 4 सिलेंडर आपको इसका इंजन देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 78.9 bhp का आपको 6000 rpm पे पावर देखने को मिल जाएगा। वहीं मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो आपको 111.7 Nm का आपको इसका मैक्सिमम टॉर्क जो था वो आपको देखने को मिल जाएगा 4000 rpm पे। वहीं बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो 5 लोगों को बहुत आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठाया जा सकता है। ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल मिल जाएगा। फ्यूल टैंक बताऊं तो फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी का 35 लीटर का देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के लिए बिल्कुल इनफ है दोस्तों। साथ में जो गाड़ी है हैचबैक में आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों इसका मैं बताऊँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नहीं मिलेगा। पुश स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप जो बटन होता है वो आपको नहीं मिलेगा। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी के अंदर नहीं है। एलॉय व्हील आपको नहीं मिलता और फॉग लैंप भी आपको इसमें नहीं मिलने वाला दोस्तों। और रियर में आपको पावर जो होता है आपका जो रियर में होता है विंडसेल के ऊपर आपको वाइपर वो आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। और एयर बैग्स भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। सेफ्टी के मामले में जो बिल्ड क्वालिटी है सो वही आपको देखने को मिलता है। पावर स्टेरिंग है, एसी है। बात करें इस गाड़ी के मॉडल के बारे में तो हुंडई i10 2011 मॉडल पेट्रोल वेरियंट। किलोमीटर बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी 50,000 चली है, तो गाड़ी बिल्कुल कम चली है। काफ़ी अच्छा आपके पास ऑप्शन है i10 लेने का, तो बेशक गाड़ी को बाई कर सकते हैं। मैनुअल गियर फर्स्ट ऑनर गाड़ी आप जब इस गाड़ी को लेंगे तो बन जाएंगे आप इस गाड़ी के सेकंड ऑनर। लोकेशन बताऊं तो लोकेशन इसका सेक्टर 51 नोएडा। बात करें प्राइसिंग का तो ऑनर का आस्किंग प्राइस है 1,35,000 रुपये, जो कि बिल्कुल नॉगोशियेबल हो जाएगा। प्राइस बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा दोस्तों। मैक्सिमम 1,20,000 तक की गाड़ी आपको पड़ जाएगा। बात करें कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी ऑनर की कॉन्टैक्ट नंबर जिससे ऑनर से बात करके गाड़ी को बाई कर सकते हैं, तो ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पर दे दिया हूँ। नंबर पर आप कॉल करिए, ऑनर से बात करिए, जो भी आपको गाड़ी के बारे में पूछना हो या फिर पेपर से रिलेटेड पूछना हो आप बात करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी पसंद आए तो ही आप गाड़ी लीजिएगा, टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, गाड़ी पसंद आए तो बेशक आप गाड़ी को ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को इस गाड़ी के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।